देश दुनिया की सबसे सटीक खबरों के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। आपने बहुत से क्रॉस ब्रीड जानवर देखे होंगे। क्रॉस ब्रीड जानवरों में सबसे मशहूर है खच्चर, जिसे अंग्रेजी में म्यूल भी कहते हैं। खच्चर घोड़े और गधी के मिलन से बनता है। कुछ वर्षों पहले शेर और बाघिन के मेल से लाइगर नाम का एक जानवर बनाया गया था। लाइगर के शरीर में बाघ की ही तरह धारियां होती है, लेकिन उसके शरीर और मुंह की बनावट काफी हद तक शेर जैसी ही होती है। लेकिन क्रॉस ब्रीड की श्रेणी में अब एक नई प्रजाति बन गई है, जोंकी। जी हाँ, केन्या के च्यूलू हिल्स नेशनल पार्क में एक जेब्रा माँ ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो ऊपर से तो गधे जैसा था, लेकिन नीचे से जेब्रा की तरह। जांच करने पर पता चला कि कुछ महीने पहले एक मादा जेब्रा कहीं से उस पार्क में आ गई थी, जहाँ पर किसी गधे के साथ उसका मिलन हो गया था। पार्क ऑफिशियल ने जब उस बच्चे को देखा तो उसके पैरों के पास धारियां देख कर वो हैरान हो गए। अब उन्होंने इसे नाम दिया है जोंकी। नया जोंकी और उसकी माँ का ख्याल अब पार्क अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, जहाँ अब उन्हें खाने पीने के अलावा भारी खतरनाक जानवरों से भी सुरक्षा मिल गई है। इंडिया की तमाम तरह की खबरों के लिए हॉट इंडियन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।